नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दीपंकर रॉय और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन दीपंकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दिवाली आ चुकी है, लगभग आ ही चुकी है, और आप लोगों के घर में इस टाइप का एलईडी स्ट्रीट लैम्प होगा ही होगा। रिलोक्स इस लैम्प के मदद से आप लोग घर को सजाते होंगे। तो मैं इस वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि आप लोगों को थोड़ा खर्चा बच जाए, इसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। क्योंकि आपके घर में ये जो लाइट आता है, ये लाइट को एक या दो साल इस्तेमाल करने के बाद आप लोग ये लो लाइट ख़राब हो जाता है। जैसे कि ये दोनों लाइट, दोनों सेट ख़राब हो चुका है। तो इसमें ख़राब कुछ नहीं होता, थोड़ा सा कनेक्शन छूट जाता है या थोड़ा सा लूज कनेक्शन हो जाता है, इसलिए ये लाइट जलते नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको हम फेंक देते हैं या कहीं पर रख देते हैं कोने में, बनाए खरीद लेते हैं और पैसे का बर्बाद करते हैं। तो मेरा मकसद यही है कि आप लोग का पैसा थोड़ा बच जाए दीपावली में, और उस पैसे को आप किसी को गरीब को दे सकते हैं, किसी को मिठाई खिला सकते हैं और अपने खुशियों को और भी बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा बातें किए ना कि करते हुए हम सीधा दिखाते हैं आपको इस लैम्प को आप कैसे ठीक करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, इस लैम्प को हम खोलते हैं, इसे शुरू करते हैं कि इसकी यहाँ पे तो इसका जो प्लग है वो प्लग ही नहीं है, ये पूरी तरह से टूट चुका है, किसी ने इसको टूट दिया, तोड़ दिया है इसको वायर को। तो मैं ये वायर फुल है और इसमें क्या दिक्कत है हम पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम पावर में कनेक्ट करते हैं। तो पावर में दे दिया, देखिए जल नहीं है, ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं इसके कि दिक्कत क्या है। तो दोस्तों, ये जो सॉकेट दी जाती है ना, पावर सॉकेट, इस वाले लाइट में जो सॉकेट आती है, वो सॉकेट बहुत ही मतलब कि फालतू का आता है। देखिए सब पूरा फालतू होता है। तो ये वाला सॉकेट को फेंक देते हैं, और इसके साथ मेरे पास सॉकेट नहीं है फिलहाल, टू पिन जैक नहीं है। तो ये वाला इसको हमें इस टाइप का एक कॉर्ड से कनेक्ट किया है। तो देखते हैं कि क्या होता है, अभी भी जलता है तो ठीक है, नहीं तो देखना पड़ेगा। पहले टेस्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जल रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको छोड़ते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, हमारा ये लाइट ठीक था, सिर्फ इसके लिए जल नहीं रहा था इसके वजह से। तो ये तो ठीक होएगा, हो गया। अब हम इस वाले को देखते हैं। तो इस वाले, इसके लिए इसका जो ड्राइवर होता है ये वाला, इसको पहले हम ढूंढना पड़ेगा, देखते कहाँ है। तो दोस्तों, वो वाला ड्राइवर हमें मिल गया, लेकिन इसका पूरा तार टूटा हुआ है, देख सकते हैं पूरा तार टूटा हुआ है, और इसमें भी वही तरह के जैक दिया हुआ है। तो पहले हमें जैक को बदलना पड़ेगा, उसके बाद इसको खोल के इसके अंदर ये जो चार वायर होता है उसका हमें सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं मैंने बहुत खोल लिया है, लेकिन हमें एलईडी तीनों वायर में कोई कहीं पर भी एलईडी नहीं मिला। इसका मतलब है कि ए वायर, ए जो लाइट है, लाइट का सेट है, ये कुछ अलग प्रकार का है, ये जले रहता है, मतलब कि ये ब्लिंकिंग नहीं होते, ठीक है। तो हम इस तीन वायर को एक साथ जोड़ सकते हैं, तीनों को एक साथ जोड़ सकते और दोनों लाइट को भी एक साथ जोड़ सकते, और ये जो ड्राइवर है ये भी इसका नहीं है, तो दूसरा कोई ड्राइवर अपने देखना पड़ेगा वो कहाँ है। तो पहले वो हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमें ड्राइवर मिला है और इसका जैक भी सही लग रहा है हमें, ठीक है। तो यही ड्राइवर हो सकते, पहले इसे खोल लेते हैं। खोलने के बाद हाथों से भी खोल सकते हैं या फिर स्क्रू ड्राइवर के मदद से भी खोल सकते हैं, पहले खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये लोग कितना उल्लू बनाता है, देखिए कुछ भी नहीं है, तीनों को एक साथ जोड़ दिया, दोनों को एक साथ जोड़ दिया, हो गया आपका काम। तो हम यहाँ से दोनों को छील के देखिए, इसमें ये कितना खराब क्वालिटी का आता है, सिर्फ दो वायर दिए हैं अंदर, कितना खराब। तीनों को एक साथ मोड़ लीजिए, हमें लाइट के तीनों को एक साथ लेना है, देखिए तीनों को इससे पुकार छीन लेना है,
कर उसको टेप कीजिए, याद है टेप जरूरी है, ठीक है। टेप कर लीजिए, ऐसे टेप कर लीजिए, तो फ्रेंड्स अब इसको कैसे चेक करेंगे ये वायर ठीक है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे आप, तो उसका एक सही तरीका मैं आपको दिखाता हूँ अभी, उससे आपको समझ आ जाएगा कि सब कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर को लीजिए और इसको सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर होता है ये देखिए 2000 के मतलब कि 2000 किलो ओम्स का जो साइन है उसके अंदर डालिए, और ये दोनों सिरा लेके लाइट को ये दोनों को एक साथ मैंने जोड़ा था उसको अलग कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक लाइट का एक सिरा और एक कॉमन सिरा है तो इसको याद रखिए, ये देखिए रीडिंग आ रहा है, ठीक है, रीडिंग को शो कर रहा है मतलब कि कनेक्शन बिल्कुल जा रहा है, वो सर्किट कम्प्लीट हो रहा है। अब इधर से ए ले लीजिए और इसको पकड़ कीजिए, देखिए इसमें भी लगभग सेम ही दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको आपका जो कनेक्शन है बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको कैसे लगाएंगे, कैसे ठीक करेंगे, इसकी दिक्कत तो इसमें है, ड्राइवर में है, तो कैसे ठीक करेंगे, तो उसके लिए आपको मैं उसका दे उसके लिए आप इस वीडियो का आई बटन में जाइए और देखिए ब्रिज रेक्टिफायर नाम के एक वीडियो है, वो आपसे जाके आप ब्रिज रेक्टिफायर बनाइए, ठीक है। और वहाँ पे देखिए और एक वीडियो है ट्रांसफॉर्मरलेस पावर सप्लाई, ठीक है, उस वीडियो पे क्लिक कीजिए, आई बटन पे जाइए और से ट्रांसफॉर्मरलेस पावर सप्लाई पे जाइए, उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो का प्लस और माइनस दोनों सिरा मैंने दिखाया है, उस माइनस सिरा को ए वाला वायर को माइनस सिरा पे और ये दोनों को एक साथ करके एक साथ कर लीजिए, एक साथ करके इसको प्लस में डालिए, उसके बाद आपका लाइट आसानी से जल जाएगा। तो दोस्तों आजकल इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।